बिल्कुल, मुल्क भर की तरह क्वेटा शहर में भी महंगाई ने जो है आवाम की जो है चीखें निकाल दी है। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर जो शहरी है जो रोज़ेदार हैं उनको ख़रीदारी में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर दीगर अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा कर दिए गए, वहाँ पर सब्जियों की कीमतों को भी इस वक्त पर लग गए और मार्किट में जो इस वक्त भिंडी है वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो टमाटर है वो 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, अदरक 300 रुपये फ़ी किलो, लहसुन भी 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि प्याज 50 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दीगर अशिया की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर जो रोज़ेदारों का यही कहना है कि रमज़ान से कबल जो प्राइस था वो जो है नॉर्मल था, मगर रमज़ान के आते ही जो है तमाम सब्जियों को कीमतों को जो है पर लग गए और यहाँ पर जो ख़रीदारी है उनको काफ़ी यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ज़िले इंतजामिया की जानब से प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई गई थी वो भी गैर फाल है, जिसके बाद जो है शहरीों को शदीद मुश्किल का सामना है। शहरीों ने यह मुतालबा किया है कि जो ज़िले इंतजामिया की जानब से प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसको फाल बनाया जा सके, ताकि जो शहरी है तो रोज़ेदार है वो अपने रोज़े के लिए जो है यहाँ से चीज़ें ख़रीद सके। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, इस महंगाई ने हम आवाम की चीखें निकाल के रख दी हैं। अब आप ना हम सब्ज़ी खरीदने खा सकते हैं रमज़ान में, ना हम गोश्त ले सकते हैं, ना हम राशन ले सकते हैं, हम क्या करें? ना कोई प्राइस कंट्रोल वाले हैं कि ना कोई सस्ता बाज़ार है, तो हम किसके पास जाए, किसके पास फरियाद करें? देखें सर, महंगाई तो जो है वो हर साल ही बढ़ रही है, पर इस साल तो महंगाई ने सारे रिकॉर्ड ही जो है वो तोड़ दिए हैं। गरीब आदमी के लिए जो है अभी सब्ज़ी दाल खाना भी जो है वो भी महाल हो गया, गोश्त तो बहुत दूर की बात है। टमाटर को आप ले लें कि पहले 50-60 रुपये जो है वो रमज़ान से पहले चल रहा था, लेकिन अभी टमाटर ने जो है 180 रुपये पर पहुँच गया है, भिंडी 300 रुपये है, तो हम गरीब आदमी जो है खाएँगे क्या और रमज़ान को कैसे गुजारेंगे? हुकूमत का भी अभी पता नहीं चल रहा, वफाक में तो हुकूमत है ही नहीं। हम अपील किससे करें कि हमारे लिए सब्सिडी दी जाए, हमारे लिए जो है वो सस्ती बाज़ार लगाया जाए। इस साल जो है कोई सस्ता बाज़ार भी नहीं लगाया गया, तो हम बस सिवाय जो है मायूसी के हमारे पास और तो कुछ बचा नहीं है इस हुकूमत में। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हम लोग गरीब लोग आवाम सब्ज़ी लेने से हम लोगों का बस निकल के टमाटर जो है 180 रुपये चल रहे, भिंडी जो है 300 रुपये चल रहे, मटर 280-260 चल रहे। हम लोग गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी आवाम हैरान परेशान क्या करे। सब्ज़ी तो हम लोगों को बस से निकल ही गए।